नमस्कार, मेरे साथ में है अचल सरोवर अचल धरोहर के संरक्षक, कह सकते हैं कि लहराज मंदिर के महंत हैं, महंत कौशल नाथ जी महाराज, और देख रहे हैं जैसे जैसे कार्यक्रम सफलता की ओर बढ़ रहा है, महंत जी के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव अलग ही देखने को मिल रहे हैं। महंत जी, एक छोटा सा सवाल पूछूंगा कि आप इस कार्यक्रम को गत कितने वर्षों से लगातार? 17 वर्ष हो गए, 18वां कार्यक्रम है। सन 2006 से मात्र 51 दीपकों के साथ आरंभ किया, निरंतर भटती रही और आज 1 लाख से अधिक आप दीपक देख रहे हैं जो मंदिर परिवार की तरफ से, लहरा जी मंदिर परिवार की तरफ से जलाए गए हैं। और भक्तों ने कितने जलाए हैं मैं कह नहीं सकता, हम ये संख्या का अनुमान लगाएंगे उतने अगले वर्ष इतने दीपक मंदिर परिवार की तरफ से होंगे। तो निश्चित रूप से बहुत भव्य कार्यक्रम रहा और जितनी भीड़ रही है इतनी मैंने आज तक अचल पे नहीं देखी, इतनी लीलाएं का मंचा हुआ है, इतने कार्यक्रम यहाँ अचल पे हो चुके हैं, लेकिन ऐसी स्थिति भीड़ की, यानी इतना प्यार जनता का जो मिला है, श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं बाबा महाकाल की आरती देखने के लिए इस दीपोत्सव के लिए। तो काशी अयोध्या दोनों ही हरिगढ़ में समा गई है, दोनों का मिश्रण यहाँ रहा है। महंत जी, आपने बताया कितने वर्ष बताया, एक बार और बता दें। 17 वर्ष, यानी 2006 से शुरू किया, तो 2006 में जब शुरू हुआ था तो उस 2006 के अचल ताल में और आज के 2023 के अचल ताल में क्या अंतर देख रहे हैं? जमीन और आसमान का अंतर। उस वक्त यहाँ पे बहुत गंदगी हुआ करती थी, हमने 2009 से अभियान छेड़ा, 10 में उसने गति पकड़ी लेकिन कुछ हो नहीं पाया, लेकिन 2015 में एक अचल रक्षक दल का एक गठन होता है, उसके बाद जो यहाँ पर क्रांति हुई है वो देखने लायक हुई है। महीनों सैकड़ों की संख्या में समाजसेवी संस्थाएं, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े मतलब पीएससी तक ने यहाँ श्रमदान किया है और सैकड़ों हजारों की संख्या में ट्रॉली भर के कूड़ा गया है। पहले यहाँ शौच तक करने आते थे, वो ये कहते थे तुम लोग ये कीर्तन कर रहे हो, मंजीरा बजा रहे हो, ये करके अचल साफ नहीं कर सकते हो। हमने कही एक दिन ये मंजीरा बजा बजा के अधिकारी और नेता लोगों को कानों को ऐसा बजाएंगे कि अचल भी एक स्वर्ग की तरह दिखेगा। और आज आप देख रहे हैं जब दीप जल रहे हैं तो एक स्वर्ग इस धरती पर उतरा है, एक हरिगढ़ के अंदर उतरा है। तो ये मेरे जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं इतने वर्षों से, अचल रक्षक दल के कार्यकर्ता हों और बाकी जितने भी समाज सेवी संस्थाओं के सदस्य हैं जिन्होंने दीपदान करीब 10-10 वर्षों से मेरे साथ हैं और आज भी हैं, और वो सभी श्रद्धालुगण जिन्होंने इस दीपोत्सव का आगे बढ़ाया है यहाँ कर, उन सभी का मैं तहे दिल से साधुवाद देना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ उनकी भक्ति को, और ऐसे आगे वो साथ दें तो अचल सरोवर ज़्यादा दिन दूर नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, अपने देश में भी इसका एक अलग नाम होगा, एक अलग पहचान होगी। महंत जी, वो तो ठीक है, आप अपने वॉलंटियर्स को सम्मान दे रहे हैं और भगवान शिव से, भगवान गिलहराज भगवान से और भगवान राम से उनकी चिरायु और सफलता के लिए भी आशीर्वाद और वरदान दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि आपके अंदर आखिर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है जो सैकड़ों लोगों को मॉनिटरिंग पे लगाते हैं, उसके बाद में भी भागते रहते हैं, संचालन भी करते हैं मंदिर में, पूजा पाठ भी करते हैं, बाकी सब जो भी ये प्रभु गिलहराज जी की कृपा और मेरे गुरु लोगों का आशीर्वाद है जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इनको प्रेरणा दे सकूं। और बाकी की जो ऊर्जा मिलती है इन भक्तों के चेहरे पे, जो स्माइल है, एक मुस्कुराहट दिख रही है, छोटे बच्चों की मुस्कुराहट दिख रही है, उससे हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम रात भर से लगे हुए हैं काम करा रहे हैं। और जो मेरे बहुत सारे बच्चे रात भर लग के काम कराए हैं तो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट दिख रही है, यही हमारी शक्ति का एक स्रोत है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है अगले वर्ष फिर से तैयार होने के लिए, मजबूती से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने। आपने बहुत से दीपक लगाए हैं, जो श्रद्धालु आए थे और जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें क्या मैसेज, क्या कहना चाह रहे हैं कम शब्दों में? बहुत कम शब्दों में ये कहूँगा कि जिसने 5 दीपक लगाए हैं वो भी 1 लाख दीपकों का साक्षी बनाए, उसे बाबा की कृपा से 1 लाख दीपकों का ही पुण्य मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण दिन है दीपदान का, तो सभी लोग कार्तिक में दीपदान करें, सरोवर किनारे करें, आपके शहर में अचल सरोवर है अवश्य आएँ, कार्तिक में पूरे कार्तिक दीपदान करें, यही मैं संदेश इन्हें देना चाहता हूँ। तो साथियों, हमारे साथ थे महंत कौशल नाथ जी महाराज, जिन्होंने कद तो जरूर इनका छोटा है लेकिन इनके हौसले काफ़ी बड़े हैं, उन हौसलों को चल देखते हुए देख सकते किस तरीके से एक सैलाब उमड़ पड़ा है, ये आस्था का सैलाब है। हालांकि दीप दान हुए यहाँ पर, लोगों ने दीप लगाए लाखों लाखों, तो इन लोगों ने लगाए बाकी लाखों दीप तो इन्होंने लगाए, लेकिन जो भी श्रद्धालु आ रहा था वो बहुत से दीपक लेकर आ रहा था और पूरा अचल परिसर ही नहीं बल्कि आसपास के जितने मंदिर हैं सभी पर दीप जल रहे हैं।
इस परफॉर्मेंस के बाद डॉक्टर शर्मा जी अचल सरोवर रक्षक दल के माध्यम से अचल की आज देव दीपावली का कार्यक्रम हर जोर से मनाया जा रहा है और गत वर्षों की भांति बहुत सुंदर तरीके से मनाया जा रहा है देव दीपावली का त्यौहार। आज हमारे 101,000 दीपक जलाए गए हैं, जिसमें से एक घाट की जिम्मेवारी मेरे पास थी, जो अचल सरोवर रक्षक दल, वो मेरी जिम्मेवारी थी। वहाँ हमने बहुत सारी बच्चों के साथ में दीपक जलाए और आलेखन और आकृतियाँ बहुत सारी बनाई थी। कार्यक्रम बहुत सफल हुआ, इतनी उम्मीद नहीं थी, बादल आए तो बारिश आने की संभावना थी, लेकिन समय से पहले फिर भी संज्ञा पक्ष बहुत अच्छा रहा और शहर में खूब इसको हमने सनातन धर्म के माध्यम से बहुत तरीके से अच्छे से मनाया गया। तो ये देख सकते हैं अचल सरोवर का ये दृश्य है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो पंक्तियाँ हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही, लगातार श्रद्धालु घरों से निकलकर आस्था के केंद्र अचल की ओर चले आ रहे हैं। मैडम कहाँ तुम्हारी? अरे नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और अचल सरोवर अचल धरोहर का यकीनन नारा सुना होगा और ये वही टेंपल है, भगवान शिव का मंदिर है। यहां पर लोग आया करते थे और देख सकते हैं बहुत ही शानदार यहां पर सजावट हो रही है और शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है। जैसा कि बारिश पड़ने से लोग इधर उधर सुरक्षित स्थानों की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन खूबसूरती मैं आपको कैमरे के माध्यम से लगातार दिखाता रहूँगा। और यहाँ पर अभी बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारी तादाद थी श्रद्धालुओं की, जिसमें विशेषकर महिला और बच्चे आज आकर्षण का केंद्र हैं, भगवान शिव की नज़रों में वो उनके दर्शन करने के लिए आए हैं दूर दराज से। तो मैं सबसे धीमे धीमे बात सभी लोगों से बात करूंगा धीरे धीरे, उससे पहले महिला शक्ति से जो बिल्कुल धार्मिक प्रवृत्ति के लोग लग रहे हैं यहाँ पर, उनसे शुरू बात करेंगे। जी मैडम, क्या नाम है आपका? बिंदु वाला। बिंदु जी, आज आप आई हैं, कितने दिन बाद आज अचल की तरफ आई हैं? मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया। बहुत दिनों बाद आई हैं। हाँ, पहले में और अब में क्या अंतर दिख रहा है? अब तो बहुत ही भव्य बन गया है ये, और यहाँ की जो भी कलाकृति मैंने अभी तक देखी है बहुत ही सुंदर है। तो आज बारिश पड़ गई, भीग गई? हाँ, थोड़ा सा भीगे है। आनंद आ गया? हाँ, आनंद आ गया। धार्मिक आस्था के साथ में। हाँ बेटा, किसके साथ आए हो हम? माता पिता के साथ। चलिए आइए। जी मैडम, क्यों आई थी आज आप यहाँ पर? काफी मौसम ठंडा था, बारिश पड़ रही थी आज। एक्चुअली हम लोग ना यहाँ पर देव दिवाली मनाने आए हैं। जी जी, देव दिवाली मनाने आए हैं और हम दिए भी लाए हैं साथ में, जो हमने ऊपर चलाए हैं। और यहाँ की रंगोलियाँ जो बच्चों ने बनाई है बहुत ही सुंदर है। हर बार सुना था कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ। तो कहाँ की रहने वाली हैं? यही अलीगढ़ लोकल। तो क्यों आप पहली बार आई हैं? अक्सर आना चाहिए आपको? हर नहीं, मंदिर में आते हैं, किलेराची के मंदिर तो हर ट्यूजडे आते हैं, बट आज देव दिवाली पे पहली बार आए हैं और दिए भी जलाए हैं। चेहरे से श्रद्धालुओं को स्पष्ट लग रहा है कि आप काफी भगवान शिव की प्रांगण में आकर और भगवान राम के दर्शन कर काफ़ी बेहतरीन इन्होंने आनंद महसूस किया है। तू लाल की मूछों वाले पात्र खड़े हुए हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद अलीगढ़ जी, आपने मौका दिया। मैं इस सरोवर से 10 साल से जुड़ा हुआ हूं और हर रविवार को परिक्रमा मार्ग में आते हैं हम, और ये धीरे धीरे एक विशाल अपना रूप ले लिया है। और इसके लिए और आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, इसके लिए आप लोग सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा समाज इसे अब देख के इतना चित्त प्रसन्न होता है, यहाँ इतनी गंदगी रहती थी, पर आज यहाँ लाखों हजारों लोग आते हैं। पहले ये जी परंपरा जो शुरू की गई वो 1,000 से की, फिर 5,000, फिर 10,000, 20,000, अब के 1,00,000 से की। सर आपका शुभ नाम क्या है? कुशल पाल सिंह। देखिए कुशल पाल सिंह जी ने लग एक दशक पुरानी याद आ रही है मुझे, यहाँ पर ये जो अचल सरोवर है ये डस्टबिन के तौर पर गंदगी और पूरा गार्बेज का सेंटर बन गया था। यहाँ पर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और वहीं दूसरी ओर 104 RAF के जवानों ने
सैकड़ों जवानों ने यहाँ पर लगातार कई वर्षों तक सफाई अभियान चलाया और उसका परिणाम यह हुआ कि एक दशक में आज ये सच में मंदिर प्रांगण जैसा लग रहा है और बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखने को लग रहा है। नवजात शिशु के साथ में यहाँ पर एक जोड़ा खड़ा हुआ है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? याशिका वासने। तो वासने जी बड़ी प्रफुल्लित लग रही हैं आप, क्या आज ऐसी क्या बात? आज दीप दिवाली है इसीलिए। तो भगवान शिव का आशीर्वाद दिलवाने आ गई हैं? हाँ जी, यस। तो कितने वर्ष बाद आई हैं आप? मैं यहाँ पे 3 साल बाद आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और नई नई जगह देखने को मिल रही है। पहले बहुत वैसा था, बहुत गंदा रहता था हमारा चल, और आज इतना सुंदर हो गया है कि लग ही नहीं रहा कि हमारे अलीगढ़ का चल है। चलिए शुक्र है मेरी बात की, किसी ने तो ताकीद करी। जी साहब क्या कह रही है मैडम, ठीक कह रही है गलत कह रही है? मैडम बिल्कुल सही कह रही है जी। जो हमारा अचल सरोवर मंदिर है पहले से काफ़ी सुंदर और व्याकुल होने लगा है, जिसे यहाँ आकर के हमें काफ़ी आनंद लगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है, मंदिरों में आनंद आना चाहिए। और देख सकते हैं एक श्रद्धालु भगवान शिव और राम की श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आरती के लिए, मुझे लगता है काफ़ी लेट हो गई है। नहीं अभी आज लेट हो गए, वैसे हम हर बार यहाँ पे आते हैं, यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है और अब की बार तो यहाँ पे 1,01,000 दिए जले हुए हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं देखने के लिए, देव दिवाली पे हर साल यहाँ पर दिए जलते हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है। क्या नाम है मैडम? कामिनी जी। कामिनी जी हैं और आप देख सकते हैं सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं और लाल भगवान के दर्शन करने के लिए लाल वस्त्रों को धारण करके मैडम आई हुई है। क्या नाम है मैडम आपका? स्नेहलता। स्नेहलता जी, नाम बड़ा सुंदर है आपका। अब बहुत अच्छा लगा यहाँ ये सब देख, मतलब नाम सुंदर है और प्रांगण भी अब काफी सुंदर हो चुका है पहले से। कितने वर्षों से आ रही हैं आप यहाँ? तो कई वर्ष हो गए इधर आते हुए जी। मेरे हस्बैंड इनके साथ ही आती हूँ मैं, कई साल हो गए इधर आते हुए। तो पहले और अब में कुछ परिवर्तन दिख रहा? बहुत परिवर्तन लगा है इस बार। क्या लग रहा है मैडम बताएं? पहले यहाँ पर बहुत गंदगी थी चारों तरफ, आज बहुत सफाई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आज देख के। हम तो लग रहा है मंदिर सा। हाँ, मंदिर पहले काफी दुर्गंध का साम्राज्य हुआ करता था, बहुत सारी गंदगी होती थी, लेकिन अब अर्चना और आराधना में भी बड़ा आनंद अनुभूति महसूस हो रही है। जी सर कुछ कहना चाहते हैं? बस साहब यही है, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर पहले हाँ ये पढ़ रही थी साहब। तो दीपक जलाया आपने? हाँ जी जलाया। क्या नाम है साहब? नवीन कुमार। बहुत अंतर दिख रहा है साहब पहले में? आपको दर्शक देख रहे हैं बहुत सारे? हाँ साहब बहुत बढ़िया दिख रहा है इस वक्त। दीपकार पलों को सजोने के लिए शानदार फोटोग्राफी होनी चाहिए। क्या नाम है मैडम? नीतू संजय सारस्वत। नीतू सारस्वत है जी। सारस्वत जी बताएं क्या कहना चाह रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर अचल पे और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। जब अभी इतना थोड़ा सा काम हुआ है तो इतना अच्छा, जब पूरा काम हो जाएगा तो पता नहीं कितना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा, लेकिन बारिश ने सारा काम खराब कर दिया, वो दीपक जो है बुझ गए। अच्छा, नहीं नहीं कोई काम खराब नहीं हुआ, भगवान शिव और भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए हैं आपके कार्यों से, तो एकदम उन्होंने शानदार बारिश कर दी। मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे अलीगढ़ में भी ऐसा हो सकता है। हम अयोध्या की देव दीपावली देख रहे थे, योगी जी ने आके जो शुरू की है, लेकिन वो हमें साक्षात्कार यहीं हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अयोध्या में ही हम घूम रहे हैं, हमारे अलीगढ़ को ही अयोध्या बना दिया है। चीज का वीडियो बनाते हैं? डेली रूटीन ब्लॉगिंग रहती है और अपने जैसे ब्लॉगिंग में आपकी क्या चॉइस रहती है? क्या रूटीन? डेली रूटीन, डेली रूटीन। और शॉर्ट का रहता है? शॉर्ट्स वीडियो हैं, रील्स हैं जी। मेरा नाम आर्टिस्ट मिंटू डागोर है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा, हर साल आती हूँ मैं देव दिवाली पर और काफ़ी अच्छा दिखाई देता है यहाँ पर के सब भक्त आते हैं और काफ़ी श्रद्धालु अपनी भावनाओं के प्रति यहाँ पर जैसी राम की प्रतिमा के और भक्ति भाव के अपना यहाँ पर समर्पण रूप में आके यहाँ पे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं और ये सभी के भाव है जो आप देखिए श्रद्धालु कितने लग रहा है आपका। लगभग एक दशक से तो आती हैं, पहले 10 वर्ष पहले और आज में क्या अंतर देख रही हैं? मैं 4 वर्ष से आती हूँ यहाँ पर और पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती जा रही हैं और जिस प्रकार से अब ये लोगों ने इतना मतलब इसको जागरूक कर दिया है कि लोग बाग अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। मन में क्या है आप बता ही दीजिए। सर हमको यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखने को मिला है, इतनी सारी स्पिरिचुअलिटी देखने को मिली है, पहले तो इतना नहीं था।
लेकिन जब हम आए हैं, मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, मेरा कि इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली, काफ़ी पब्लिक देखने को मिली है और लोगों में आस्था भक्तिभाव भी देखने को मिल रहा है। विशेष आकर्षण का केंद्र यहाँ की रंगोली और यहाँ के दीपक। क्या आपने भी कुछ रंगोलियाँ बनाई? हाँ बनाई है, फूलों की रंगोलियाँ बनाई है महादेव के मंदिर में। तो क्या बनाया था बताइए थोड़ा एक्सप्लेन। फूलों की रंगोली, फूलों का फ्लावर वो बनाया था, फूल बनाया था। हाँ हो गई ग्रेजुएशन, हो गई। क्या नाम है मैडम? सुरभि वाशने। तो सुरभि जी इतनी संकोच क्या कर रही थी आप, पीछे पीछे क्यों भाग रही है? नहीं हम आ रहे थे बताने के लिए, एक्साइटमेंट है हमको, श्री राम जी का आज दीपावली है, हमें बहुत खुशी है कि हम सब मिलके दिवाली मना रहे हैं, देव दीपावली, सभी भगवान जीओं को बहुत बहुत बधाई हो, देव दीपावली। देख सकते हैं त्रिमूर्ति आई है और भगवान शिव की आराधना में बहुत ही शानदार इन्होंने। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी बहुत बहुत बढ़िया, इतना भव्य देव दिवाली का आयोजन किया गया है, ऐसा सोचा भी नहीं था कि अलीगढ़ में इस तरह का भी आयोजन कभी संभव हो सकता है, पर हमारे चीफ मिनिस्टर आदित्य योगीनाथ जी ने बहुत बहुत अच्छा किया है, जो टूरिस्टिज्म भी बढ़ेगा, इसके अलावा सनातन धर्म की आप देखिए कितना, और हाँ और ये मेरा बेटा है जो कि अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है तब भी इतना सनातनी है। अब बोलो जरा, आज के युवाओं को ये समझना ज़रूरी है कि इसके माध्यम से हम सीख सकते हैं कि हमारा सनातन कैसा है और कैसा दिखेगा, इसके माध्यम से यही है, और सनातन को बढ़ाना है तो युवाओं को जानना पड़ेगा, जब हमारा देश विश्वगुरु अखंड भारत बनेगा इसका हमें संकल्प लेना है। मेरे भाई मैं आपके भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ भगवान शिव से। हमारे जय श्री राम, हम बहुत खुश हैं कि हमारे हरिगढ़ में इतना अच्छा परिवर्तन हुआ है और हम सबको ये मौका मिला कि हम इस पर्व पे ऐसे अपनी रिपोर्टिंग दे रहे हैं। जय श्री राम, मैं सारे युवाओं को सनातन के प्रति बहुत वो प्रेरित करती हूँ कि हमें तिलक लगाना अवश्य है, हमें अपने अखंड भारत सनातन में हमेशा बढ़ते रहना है, अखंड भारत होगा। नाम है आपका? दिव्या स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या, और जल्दी मेरे पेज को और यूट्यूब को फॉलो करिए, अपने फ्रेंड से फॉलो कराइए। जी भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? आज का दृश्य देखने के बाद ये देखने लगा हरिगढ़ के अंदर क्या पूर्ण रूप से सनातन जाग चुका है और सनातनी हरिगढ़ हो चुका है पूर्ण रूप से। मैं आज के इस अवसर पर जो देव दीपावली का कार्यक्रम यहाँ जो आयोजित किया गया है उसके लिए यहाँ के जितने भी प्राचीन शक्तिपीठ मंदिर हैं उनके सभी महंतों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और इतना भव्य दृश्य हरिगढ़ के लिए दिखाई दे रहा है, ये सभी सनातन वासियों के हरिगढ़ वासियों के लिए बहुत बहुत आज के सबसे शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और इसी प्रकार से हम सब लोग इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें और त्यौहारों को श्रद्धापूर्वक मनाते रहें इसी उत्साह के साथ। काफ़ी सर्दी में मुझे लग रहा है काफ़ी ठंड महसूस कर रही है। जी बिल्कुल आज मौसम बदल गया है बिल्कुल। आज का ही देव दीपावली के उत्सव पे काफ़ी अच्छे से सजाया हमारा अचल सरोवर, ये इस जैसा ब्रिज देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इवन ऐसे ब्रिजेस और ऐसा कंस्ट्रक्शन भोपाल में भी मुझे देखने को भी नहीं मिला। आप कहाँ रहने वाले हैं? मैं अलीगढ़ का ही रहने वाला हूँ, मतलब पढ़ाई के लिए भोपाल गया हूँ, लेकिन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भोपाल में भी नहीं है जितना अच्छा यहाँ पे बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे देख के। कितने साल बाद आए आप यहाँ पर? एक साल बाद है सर। तो बहुत धन्यवाद मेरे भाई, लगातार तरक्की करें, काफ़ी देर से मैडम आपके मन में इच्छा है कुछ बोलने की, ये क्या हुआ? आपके मदर को आना था, आप बीच में आ गई। मैं यहाँ पर अपने मम्मी पापा के साथ आई हुई हूँ और यहाँ पर देव दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर 1,00,001 दीपक जलाए गए हैं और मुझे यहाँ पर आकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये अयोध्या है और बिल्कुल मुझे राम की नगरी जैसी यहाँ पर फीलिंग आ रही है, और ये यहाँ पर हम सेकेंड टाइम आए हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी आप भी यहाँ पर आएँ और यहाँ के उत्सव को देखें। जय श्री राम। क्या नाम है तुम्हारा? नेहा वाशने। नेहा तुम्हारी मदर बड़ी परेशान थी, इधर उधर घूम रही थी, क्या कारण था? तुमसे कैमरे पर लाना चाह रही थी या बोलना चाह रही थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था कुछ नहीं, बस यही था, मम्मी चाह रही थी मैं आगे यहाँ पर बोलूँ तो। चलिए धन्यवाद आपका, उसके बाद में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। जी जय महाकाल। जी बोलिए क्या कहना चाहती हैं? बहुत अच्छा लगा, उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा चल होगा। उम्मीद तो तब होती जब आप अलीगढ़ से बाहर की होती। कहाँ से आई हैं आप? यहीं से हूँ। यहीं से? क्या नाम है आपका? दीपांशी अग्रवाल। दीपांशी आज क्या मुख्य आकर्षण का केंद्र था, क्या आपको बहुत अच्छा लगा? आरती बहुत अच्छी लगी थी, घाट पे जो आरती हुई थी वहाँ बच्चों ने डांस किया था, बहुत सुंदर सुंदर नृत्य था उनका, और हाँ यहाँ की बहुत दीपदान जो हुए थे बहुत अच्छा लगा, उस दीपदान में हमने भी दीपदान किया था, और यहाँ रंगोली दर्शन सब बहुत अच्छा था, आनंद आ गया। आनंद आ गया, उसके बाद बारिश हो गई।
बारिश भी हुई थी हाँ, लेकिन वो तो खैर होनी ही थी, जब इतना आनंद था तो बारिश कहाँ रुकती। मेरा नाम यशी गुप्ता है। यशी गुप्ता, आज बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आई हो, तुम कहाँ पर आई हो आज, कहाँ घूमने आई? जी मैं अचल ताल पे आई हूँ, यहाँ पे दीप उत्सव है, उसका आनंद लेने के लिए आई हूँ। सिर्फ अचल ताल था या अध्यात्म और आस्था से जुड़ा भी केंद्र है? जी यहाँ पे बहुत ही आस्था और यहाँ पे मतलब पॉजिटिव वाइब आती है, मतलब यहाँ पे आके ना दिल एकदम खुश हो जाता है कि हाँ मंदिर में हम आए हैं, सुकून मिलता है दिल को आके। दूर से चल के आई लग रहा है। जयगंज से आई हूँ। जयगंज से। यहाँ का दीप उत्सव, यहाँ की रंगोलियाँ, यहाँ की हर चीज़। तो जैसे बनारस में होता था उसको देखकर मन आपको लगता था कि अलीगढ़ में भी होना चाहिए और होने लगा? जी हाँ, बनारस यहाँ की हमारी चाची भी बनारस की हैं, हम काफ़ी बार जा चुके हैं, वहाँ भी इसी तरह होता है और उससे बहुत अच्छा लगता है, उसी की तरह बहुत सुकून मिला। आपके मन की वो जूते नहीं उतारने पड़े, भगवान सुन लेता है वैसे ऐसी बात नहीं। बड़ी देर में आना हुआ यार बारिश में।